जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। हमें क्या चाहिए? इस्लाम। हमें क्या चाहिए? इंडियन इस्लाम। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। हमें क्या चाहिए? इस्लाम। हमें क्या चाहिए? इस्लाम। हमें क्या चाहिए? इस्लाम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। हमें क्या चाहिए? इस्लाम। पिछले दो साल से हमारी भर्ती हुई है, उसका एग्जाम नहीं हुआ। मेडिकल प्लस हमारी रनिंग क्लियर हो गई है, तो 7-8 बार हमारा डेट आ चुकी है, तो हर बार डेट में पोस्टपोन कर देते कोविड की वजह से। कोविड की वजह से हर एक रैली हो रही है, सब कुछ हो रहा है, एग्जाम हो रहे हैं, SSC का सब कुछ चल रहा है, बस आर्मी का ही बंद है। हर जगह रैली हो रही है, प्रधानमंत्री अभी जम्मू में आए थे, उधर कितनी पॉपुलेशन आई थी, तब उनके लिए कोविड नहीं था, अभी हमारे लिए कैसे कोविड है? हमारा सिर्फ 4,000 बच्चा फिट हुआ है, उसका एग्जाम लेने के लिए कोविड आया था। कहाँ पे भर्ती हुई थी? भर्ती हमारी जम्मू में हुई थी। कौन सी भर्ती? चुंजमा AR जम्मू में हुई थी। कौन सी सन में हुई थी? कब हुई? 2021 में हुई थी। देखी थी ना हमारा रिटर्न भी हो ना रिटर्न हुआ अभी तक। पहले फिजिकल हुआ था, रनिंग हुई, पॉइंट सुना, अभी तक हमें 1.5 साल हो गया इस भर्ती देखे हुए, ना ही कोई आज तक कुछ पास आई, तारीख पे तारीख दे आ रहे हैं कोई भी, आज तक कोई बात नहीं। हर बार रिटर्न कैसा, हमें ये 5वीं तारीख मिल रही है, अब तक तो पहले बोले थे 24 अप्रैल को, 28 अप्रैल को भी हुआ था, अभी 29 मई को। क्या देखते हैं आप, क्यों डिले किया जा रहा है सर? पता नहीं क्यों डिले किया जा रहा है। SSC का पेपर हुआ तब नहीं था कोविड, अभी यहाँ पे एडमिट कार्ड भी सब कुछ आ गया। अब किसके थ्रू आप परीक्षा निकाल रहे हैं सर? हमें सरकार कुछ नहीं, हमें हमारा एग्जाम होना चाहिए। क्या देखते हैं अगर ऊपर से हमारा ड्रेस हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या देखते हैं अगर नहीं है, क्या काम करेंगे हम उसके बाद? क्या देखते हैं अगर और ज्यादा डिले किया गया तो कितना नुकसान हो सकता है? हमारा बहुत नुकसान हो गया, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम रोड ब्लॉक कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, फिर तो हम तो उठेंगे नहीं। क्या देखते हैं आपके साथ साथ, आपका तो चलो एग्जाम का है, BSF CS एक्सपीरियंस भी है, जो आर्मी के एक्सपीरियंस थे और जिन्होंने मेडिकल तक जो फिट हो चुके हैं और इनकी संख्या करीब लगभग 4,000 के करीब है और इनका रिटर्न एग्जाम नहीं हो रहा है, इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने रोजगार देना है या रोजगार छीनना है। ये लोग, ये स्टूडेंट, ये बच्चे, ये देश के प्रति इनकी वफादारी है और देशभक्ति का जो ये सबूत देना चाहते हैं अपनी सेवाएं देकर सेना के अंदर, CRPF के अंदर, आर्मी के अंदर, इन्होंने आर्मी की भर्तियों में शामिल हुए, इतनी मेहनत करके खुद का फिजिकल क्लियर किया इन्होंने, ये पूरी मेहनत के साथ, जोश खरोश के साथ देश के ही सेवा में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की मंशा है, सरकार की नियत में खोट है और सरकार नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिले। यहाँ के नौजवानों को रोजगार ना देकर यहाँ के बाहर के लोगों को यहाँ कर बसाना चाहती है सरकार। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान बेरोजगार रहे ताकि इनको सस्ती लेबर मिलती रहे। ये जो इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलिस्टों को बाहर से जम्मू कश्मीर में जो रेड कारपेट बिछाया है इन्होंने, उसके लिए सस्ती लेबर तैयार करने के बंदोबस्त है। पिछले जब से आर्टिकल 370 को तोड़ा है तब से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के देख लीजिए, चाहे सेंटर का देख लीजिए, इन्होंने ना ही नौजवानों को रोजगार दिया है, ना ही किसी और तरीके से इनको फैसिलिटेट किया है। और मैं बता देना चाहता हूं सरकार को, अगर इसी प्रकार से आपकी पॉलिसी रही, अगर ऐसी ही मंशा रही, तो वो दूर दिन दूर नहीं है जिस दिन ये ज्वालामुखी फटेगा और आपकी सत्ता को ले डूबेगा।